आज मैं आपको फ्रिज में हमें कौन सी ऐसी दो चीज़ें हैं जो नहीं रखनी चाहिए। हमें कभी भी यह दो चीज़ों को एक साथ नहीं रखना चाहिए। पूज्य पंडित जी ने अपने शिव महापुराण कथा में यह बताया है कि हम अपने घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्ची लगाते हैं, हाँ, क्योंकि उससे हमारे घर में दरिद्रता कभी भी अंदर नहीं प्रवेश करती। लक्ष्मी और दरिद्रता दोनों बहनें हैं, ऐसा माना जाता है। जहाँ दरिद्रता होती है वहाँ लक्ष्मी जी कभी भी वास नहीं करती हैं। इसीलिए हम अपने घर की चौखट पर, घर के मुख्य द्वार पर, व्यापार स्थल पर नींबू मिर्ची लटकाते हैं, ताकि दरिद्रता हमारे घर में हमारे व्यापार पर ना आए, बुरी नज़र ना पड़े। ऐसे घर में जहाँ पर नींबू मिर्ची लगी होती है वहाँ पर दरिद्रता कभी नहीं रहती, और उस घर में, उस स्थान पर माँ लक्ष्मी का वास होता है। पर हम कई बार ऐसी गलती करते हैं कि यह दोनों चीज़ें हम अपने रसोई घर में, हम अपने घर के फ्रिज में एक साथ रख देते हैं। पर आप कहेंगे कि अगर हम एक साथ ना रखें तो क्या हम लाना बंद कर दें या फिर हम खाना बंद कर दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप लेकर भी आएं और खाएं भी, बस इसको किस तरीके से रखना है उसे आप सुधार लें। और अगर आप यह गलती करते आ रहे हैं तो आज से ही इसे बंद कर दें और इससे सुधार लें। ना तो एक डलिया में आप इसे एक साथ रखें, ना ही फ्रिज में एक साथ रखें। फ्रिज बहुत बड़ा होता है, फ्रिज में बहुत सारे अलग अलग जगह होती है, दरवाज़े पर जगह होती है। आप चाहें तो मिर्च को दरवाज़े की साइड रख सकते हैं, नींबू को नीचे जो सब्जियां रखने की जगह है वहां रख सकते हैं, या फिर आप अपने रसोई घर में रख रहे हैं तो इन्हें अलग अलग डलिया में रखें। आप अलग अलग थोड़ी दूरी बनाकर रखें, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि नींबू मिर्ची दरिद्रता को आकर्षित करती है, और जब हम लटकाते हैं तो वह लटकी हुई होती है और घर के चौखट पर, मुख्य द्वार पर होती है, तो दरिद्रता हमारे घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। किंतु अगर हम उसे रखते हैं तो वह एक साथ रखने के कारण दरिद्रता हमारे घर में आ सकती है, और ऐसे घर में कभी भी लक्ष्मी का वास नहीं होता है। इसलिए आप जब भी नींबू मिर्ची लेकर आए बाज़ार से तो इस बात का विशेष कर ध्यान रखें कि उन्हें एक साथ इकट्ठे जगह पर ना रखें, इकट्ठे एक जगह पर उन्हें ना रखें, उन्हें दूर दूर रखें और अलग अलग रखें। दोनों को, नींबू को अलग रखें और मिर्ची को आप अलग रखें, हरी मिर्च को। अगर आपको मेरा यह उपाय अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए, जिससे मेरा जो भी नया वीडियो आएगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दर्शकों, हर हर महादेव, जय माँ लक्ष्मी।